वेलकम टू साइबर अवेयर हब। कोई डिलीवरी एजेंट आपके घर के बाहर पार्सल लेकर खड़ा है और कह रहा है कि आपका पार्सल है और एक OTP आया होगा तो बता दीजिए। तो रुक जाइए, ये एक फ्रॉड भी हो सकता है। आपका ऑर्डर आपके हाथ में ही पहुंचे ये सुनिश्चित करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट ने OTP बेस्ड डिलीवरी प्रक्रिया स्टार्ट की, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इस प्रक्रिया का फ़ायदा उठाकर स्कैम कर रहे हैं, आपके बैंक खातों को खाली कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया है जो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। वो ई कॉमर्स वेबसाइट के डिलीवरी पार्टनर बनकर आपके दरवाजे पर आते हैं और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए पैसे मांगते हैं। यदि आप पार्सल के बदले पैसे देने को तैयार हो जाते हैं तो वो OTP जनरेट करने के लिए एक लिंक आपके फ़ोन में भेजेंगे। यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन की सारी जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आदि उनके पास चली जाती है। और अगर आप पार्सल लेने से मना करते हैं तो ऑर्डर कैंसिलेशन के नाम पर आपको लिंक भेजते हैं और OTP जनरेट करवाने के लिए लिंक पर क्लिक करवाते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं और OTP शेयर करते हैं तो पलक झपकते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इस तरीके के फ्रॉड को फेक डिलीवरी स्कैम कहते हैं। इससे बचने के लिए पहले आप कंफर्म करें कि आपने कोई ऑर्डर किया है कि नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट डिलीवरी का मैसेज भी भेजते हैं, वह चेक कीजिए कोई ऑर्डर आज डिलीवर हो रहा है कि नहीं। मैसेज में डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन होती है। मैसेज में डिलीवरी एजेंट के नंबर भी होते हैं। आप उस नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि डिलीवरी एजेंट जेन्युइन है कि नहीं। OTP शेयर करने से पहले डिलीवरी एजेंट की आइडेंटिटी चेक करें। कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी का फ़ायदा उठाकर ही साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉड करते हैं। यदि पार्सल कैश ऑन डिलीवरी है तो पे करने से पहले पार्सल चेक कर लें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सतर्क करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।